नमस्कार। आज के इस समारोह में मौजूद दमन जिला पंचायत के अध्यक्ष श्री सुरेश पटेल जी, दमन नगर पालिका के अध्यक्ष श्री शौकत मिठानी जी, दमन एवं दीव के सभी वरिष्ठ अधिकारीगण, माननीय पूर्व सांसद, राजनीतिक दलों के अध्यक्ष एवं प्रतिनिधि, दमन म्युनिसिपल काउंसिल तथा दमन जिला पंचायत के सदस्य, सरपंच, दमन एवं दीव के स्वतंत्रता सेनानी, सरकारी अधिकारीगण, उद्योगपति, मीडिया प्रतिनिधि, स्वयंसेवी संस्थानों के प्रतिनिधि, विभिन्न वर्गों से आए दमन की जनता, स्कूली शिक्षक एवं मेरे प्यारे बच्चों, मैं आज 68वें गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर आप सभी को हार्दिक बधाई देता हूँ। प्रत्येक वर्ष 26 जनवरी को पूरा भारत देश गणतंत्र दिवस के रूप में मनाता है। आज के ही दिन सन 1950 में हमारे संविधान को अपनाया गया था तथा विश्व के पटल पर एक स्वतंत्र गणराज्य के रूप में भारतवर्ष की स्थापना हुई थी। आज का दिन है जब हम उन वीर शहीदों को नमन करते हैं जिन्होंने देश के खातिर अपने जान की कुर्बानी दी है। हमारे पूर्वजों ने कड़ी मेहनत की और आज़ादी हासिल करने के लिए अपना जीवन बलिदान किया, हमें उनका आभारी होना चाहिए। आज भारत सबसे बड़े गणतंत्र देशों में से एक माना जाता है और इसका श्रेय कई दशक पहले हमारे नेताओं को जाता है जिन्होंने दिन रात एक कर संविधान का मसौदा तैयार किया। अब यह हमारा कर्तव्य है कि हम इसे आगे बढ़ाएं और भारत को एक बेहतर देश बनाने के लिए काम करें। इसी उद्देश्य के साथ प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन तथा दमन एवं दीव एवं दादरा नगर हवेली के प्रशासक श्री प्रफुल्ल भाई पटेल के नेतृत्व में दमन एवं दीव संघ प्रदेश भी विभिन्न क्षेत्रों, सामाजिक, आर्थिक, शिक्षा, स्वास्थ्य, इंफ्रास्ट्रक्चर, औद्योगिक, कृषि एवं अन्य विभागों में नई ऊंचाइयों को छू रहा है। दमन की जनता के सहयोग तथा दमन जिला पंचायत, ग्राम पंचायत और दमन म्युनिसिपल काउंसिल के अथक प्रयास का ही नतीजा है कि दमन प्रदेश 2 अक्टूबर 2017 को ओपन डेफिकेशन फ्री डिक्लेयर हो पाया है। यह दमन की जनता के लिए एक गर्व का विषय है। साथ ही साथ यहां आज दमन में अपना चूल्हा जलाने के लिए अब यहां के नागरिकों को केरोसिन की कोई आवश्यकता नहीं है और घर घर गैस कनेक्शन देकर उज्ज्वला के तहत दमन को केरोसिन फ्री प्रदेश भी घोषित किया जा चुका है। वहीं दूसरी ओर आधारभूत संरचना के क्षेत्र में एक नया दमन जो कि न्यू दमन न्यू इंडिया के तर्ज पर होगा, उसके लिए भी प्रयास जारी है। इनके मुख्य कार्य मोटी दमन फोर्ट का ब्यूटिफिकेशन, सी फेसिंग रोड्स का निर्माण तथा अन्य इमारतों के विनिर्माण का कार्य जो कि प्रारंभ हो चुका है। अगले एक वर्ष में इन परियोजनाओं के धरातल पर आने के बाद दमन की तस्वीर बदलती नजर आएगी। समाज कल्याण के क्षेत्र में भी विभिन्न योजनाओं के तहत दमन के जरूरतमंद लोगों को सुविधाएं प्रदान की जा रही हैं। जहां एक ओर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के तहत हर महीने विभिन्न पंचायतों में बेटी जन्मोत्सव का त्यौहार मनाया जाता है, वहीं दूसरी ओर महिलाओं के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए प्रेग्नेंट लैक्टेटिंग एवं किशोरी युवतियों को मासिक सप्लीमेंट्री राशन दिया जा रहा है। नारी सशक्तिकरण के क्षेत्र में समाज कल्याण एवं स्वास्थ्य विभाग के द्वारा उठाया गया यह एक सराहनीय कदम है। इस वर्ष 13,946 परिवारों को संजीवनी स्वास्थ्य बीमा से जोड़ा गया, वहीं दूसरी ओर 8,332 विद्यार्थियों को विभिन्न योजनाओं के तहत स्कॉलरशिप की राशि सीधे बैंक अकाउंट में जमा कराई गई। रोजगार एवं उद्योग के क्षेत्र में भी दमन प्रशासन ने कई कारगर कदम उठाए हैं। अक्टूबर तथा नवंबर के महीनों में कई रोजगार मेलों का आयोजन किया गया जिसमें 1200 से अधिक ऊपर लोगों को रोजगार दिलाया गया। इसमें श्रम विभाग तथा उद्योगपतियों का सराहनीय प्रयास रहा है। भविष्य में भी इस तरह के मेलों का आयोजन किया जाएगा। रोजगार के साथ साथ शारीरिक रूप से काम करने वाले मजदूरों के लिए भी पौष्टिक आहार एक जरूरी विषय है। इस क्षेत्र में भी दमन प्रशासन यह प्रयास कर रहा है कि उपयुक्त कैलोरीज वाला आहार मजदूरों को उपलब्ध कराया जाए। जल्दी ही इस योजना की शुरुआत की जाएगी। सरकारी पदों के रिक्तियों को भरने के लिए दमन दीव रिक्रूटमेंट बोर्ड ने कार्य प्रारंभ कर दिया है
और 18 जनवरी को पहली लिखित परीक्षा आयोजित किया गया। इन रिक्तियों को भरने के लिए दमन एवं दीव के बच्चे किसी भी तरह का पीछे न रह जाए, इसके लिए शिक्षा विभाग एवं खेल विभाग ने फ्री कोचिंग क्लासेस भी शुरू किया है। क्लीन दमन ग्रीन दमन के नारे को भी चरितार्थ करने के लिए एक तरफ जहां गैस पाइपलाइन का कार्य तेजी से चल रहा है, वहीं दूसरी ओर सभी ऑटो रिक्शास को इसके दायरे में लाया जा रहा है। ट्रांसपोर्ट विभाग एवं विभिन्न बैंकों के द्वारा मुद्रा के तहत लोन दिए जाने से यह संभव हो पाया है। दमन में दो जगहों पर सीएनजी स्टेशन भी शुरू किए जा चुके हैं। क्लीन एनर्जी के ही क्षेत्र में बिजली विभाग के प्रयास से कुल 140,000 एलईडी बल्ब का वितरण विगत 2 वर्षों में किया जा चुका है। एक समाज के निर्माण एवं प्रगति के लिए शिक्षा एवं प्रशिक्षित लोगों का होना अनिवार्य है। इस सिलसिले में माननीय प्रशासक श्री के दिशा निर्देश एवं दमन इंडस्ट्रीज एसोसिएशन के सहयोग से सभी स्कूलों के आधारभूत संरचनाओं का विनिर्माण किया गया। इसी तर्ज पर सभी आंगनवाड़ियों जिन्हें नंदघर के नाम से भी जाना जाता है, उनके पुनर्निर्माण का कार्य जारी है और आने वाले समय में दमन वासियों विशेषकर छोटे बच्चों के लिए यह एक तोहफे के समान होगा। आने वाले दिनों में इंजीनियरिंग कॉलेज, नर्सिंग कॉलेज और प्लास्टिक इंजीनियरिंग कोर्सेज से निकलकर आए बच्चों के सामने रोजगार के कई नवीन अवसर होंगे जो कि दमन का भविष्य तय करेंगे। प्रशासन के अथक प्रयास की वजह से दमन के लिए मेडिकल रिजर्व सीटों में करीब 60% की वृद्धि हुई है। दमन एक औद्योगिक प्रदेश है जहां करीब 85,000 कामगार काम करते हैं। उनकी जरूरतों को ध्यान में रखकर तथा उपलब्ध संसाधनों के उचित उपयोग हेतु प्रशासन ने स्पर्श पॉलिसी लाने का सोचा है। इसके तहत दमन के निवासी और बाहर से आने वाले कामगार दोनों ही लाभान्वित होंगे और दमन में रहने वाले लोगों को एक बेहतर सुविधा प्रदान की जा सकेगी। उदाहरण के तौर पर एक इकाई का निर्माण का कार्य ओआईडीसी के द्वारा जल्द ही शुरू कराया जाएगा। इसके अलावा प्रशासन दमन दीव की जनता के हितों को ध्यान में रखते हुए सभी को पक्का मकान दिलाने को लेकर प्रतिबद्ध है। आने वाले समय में 100% परिवारों को पक्का मकान प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत उपलब्ध कराया जाएगा। टूरिज्म को बढ़ावा देने और दमन दीव के बीच दूरी कम करने के लिए भारत सरकार से हेलीकॉप्टर चलाने की अनुमति प्रदान की जा चुकी है। जल्द ही इसका लाभ दमन दीव की जनता को मिलेगा। अतएव दमन दीव प्रशासन पूरी तरह से हर क्षेत्र में दमन की जनता के लिए कार्य करने को प्रतिबद्ध है और यह प्रशासन की जिम्मेदारी बनती है कि वह सरकारी योजनाओं का लाभ पारदर्शी तरीके से जरूरतमंदों तक पहुंचाए जिन्हें की इसकी आवश्यकता है। परंतु प्रशासन के साथ साथ हमारा भी कुछ कर्तव्य बनता है। एक समाज के सही निर्माण के लिए अधिकारों के साथ साथ कर्तव्यों का पालन भी उतना ही आवश्यक है। हमारे संविधान में भी दोनों ही चीजों का उल्लेख है। सर्वप्रथम यह हमारा कर्तव्य है कि हम हमारी ही सरकार के द्वारा बनाए गए कानून का सख्ती से पालन करें। यदि हर व्यक्ति लिखित कायदे कानून का सही मायने में पालन करे तो कभी भी किसी अवस्था में असमंजस की स्थिति नहीं आएगी। दूसरा, स्वच्छ भारत अभियान के तहत हम अपने प्रदेश को साफ सुथरा रखें और जहां तहां गंदगी करके इसे खराब ना करें। दमन में प्लास्टिक बैग्स का उपयोग प्रतिबंधित है, जिसका कि सभी नागरिकों से अनुरोध है कि वो सख्ती से पालन करें। तीसरा, उद्योगपति, चाल मालिक, दुकानदारों, होटेलियर्स इत्यादि से मेरा निवेदन है कि अपने आसपास के वातावरण, जल, जमीन अथवा हवा को किसी भी तरीके से प्रदूषित ना करें और दमन की जनता के प्रति अपने कर्तव्यों का निर्वहन करें। अंत में मेरा अनुरोध दमन की युवाओं तथा बच्चों से है कि वो अपनी ताकत को पॉजिटिव और इनोवेटिव चीज़ों में लगाए बजाय कि जल्द पैसा कमाने के लिए किसी शॉर्टकट तरीके को अपनाए। यदि प्रशासन, दमन की जनता, युवा, चुने हुए प्रतिनिधि इस तरह नियमबद्ध तरीके से काम करेंगे तो हम जरूर एक नए दमन के सपने को साकार कर पाएंगे जिसकी नींव हमारे पूर्वजों ने रखी थी। मैं पुनः आप सभी को 68वें गणतंत्र दिवस की बधाई देता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय दमन।